और हरियाणा के रण को जीतने के लिए सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। बीजेपी भी हरियाणा को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्रिजेंद्र सिंह भी हिसार में अपनी जीत पक्की करने के लिए गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट देखिए। नारनौल में बीजेपी उम्मीदवार ब्रिजेंद्र सिंह ने हल्के के गाँव डाटा, सिसाई, पेटवाड़ और बांस गाँव का दौरा किया। दौरे के दौरान लोगों ने ब्रिजेंद्र सिंह का फूल मालाओं से स्वागत किया। ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 4.5 साल में हरियाणा की सरकार ने 60,000 नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रशासनिक अधिकारी रहा हूं, मैंने सारा तंत्र देखा है। मैं खुद 21 साल प्रशासनिक सेवा में रहा हूं, मैंने सारा तंत्र अंदर बाहर से देख रखा है और उसके अलावा मैं राजनीतिक परिवार से संबंध रखता हूं, सारी चीजें समझ रखी है। इस हिसाब से तो क्या थी हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी, जो नौकरियां जिसमें बंटती थी, और मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, नौकरियां बंटती थी। मुझे पूरा भरोसा है इस बात का, हर जगह से यही आवाज आई होगी कि हाँ, नौकरियां तो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मिली हैं, पारदर्शी तरीके से मिली हैं। इसमें किसी प्रकार की सिफारिश, खर्चा, पर्ची, क्या जो भी बोलते हैं उसको, वो नहीं चला है, ना इसमें कोई रिश्वत चली है। और ये कोई एक साधारण चीज नहीं है, ये एक नई राजनीति की शुरुआत है। ब्रिजेंद्र सिंह ने किसानों की सम्मान राशि के बारे में बोलते हुए कहा कि ये 6,000 तो एक शुरुआत है, आगे इसमें बहुत कुछ होना है। ये किसान सम्मान राशि आगे एक मजबूत व्यवस्था बनाने जा रही है। चरणवीर जी ने तो जिक्र किया कि हर किसान के उसके रकबे के हिसाब से पैसा मिलने वाली बात, वो ठीक है, वो आने वाले समय के गर्भ में है, देखे क्या निकलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका विस्तार जब आपके सामने अगले 5 साल में आएगा, आप खुद आप इसको देखेंगे कि ये सिर्फ एक धनराशि तक सीमित चीज नहीं है, इसके लिए बहुत आगे उससे जाएगी। इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम एक महाशक्ति के रूप में उभर सके, हम एक विकसित देश के रूप में उभर सके। तो जो नींव जो डली है, इसको यदि आप गहरा करना चाहते हैं, आप यदि चाहते हैं कि जड़ पकड़े, तो निश्चित तौर पे आपका मत, मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को दोबारा 5 साल के लिए जाना चाहिए। बहरहाल चुनावी जीत के लिए सभी प्रत्याशी अपना जोर लगा रहे हैं। ब्रिजेंद्र भी ये कह रहे हैं कि उनको जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बाकी 23 मई को नतीजों के साथ सब साफ हो जाएगा। नारनौल से अजय लोहान की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।